न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज चैनल के माध्यम से सिंचाई यांत्रिकी व प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जनपद वासियों को दी दीपावली की शुभकामना। कहा, जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए दीपावली। जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की बैठक। कहा, शांतिपूर्वक संपन्न कराएं दीपावली पर, भू माफियाओं पर भी करें कार्रवाई। त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ चला खाद्य एवं औषधि प्रशासन का चाबुक। मिलावटी 13 क्विंटल मावा और 15 डिब्बों में सवा 2 क्विंटल सफेद रसगुल्ला बरामद। सर्किट हाउस से एयरफोर्स तक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। कार्यों की धीमी गति पर लगाई फटकार। कहा, कार्यों में तेजी लाएं संबंधित विभाग। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सुपरवाइजर और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक। सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी के दिए निर्देश। भाजपा के गोरखपुर सदर लोकसभा संचालन समिति की बैठक हुई संपन्न। प्रभारी मंत्री ने कहा, पार्टी की जीत के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता। जिलाधिकारी ने नगर निगम का किया निरीक्षण। नगर निगम भवन को दीपावली से पहले सुंदरीकरण करने का दिया निर्देश। 9 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षेत्र एसोसिएशन के सदस्यों ने जेडी कार्यालय के समक्ष दिया धरना। मांगों को पूरा नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। एनी रेलवे बालक इंटर कॉलेज के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और आतिफ क्रिकेट एकेडमी और रायल उद्यांश क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी संस्कृति कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की खिताबी जंग।